हाई गर्स वेलकम बैक ऑन माई चैनल इट अवर प्रेर लाइक और आज मैं आपको होम टूर करा रही हूँ अपने ससुराल का जो गुजरात में है तलोद में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ और मैंने आज तक नहीं कराया एक एक बार कराया था वो उस टाइम बहुत लाइट्स वगैरह बंद थी ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा करा दिया था वो भी दूसरे चैनल पर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ सो वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे आ हमारा घर और गांव के जो घर होते हैं वो इसी टाइप से बने होते हैं सो प्लीज़ माइंड मत करना अंदर आपको कुछ भी अगर अच्छा ना लगे सो so, ये जो मैंने गेट दिखाया वो गार्डन एरिया था अब हम मेन uh, एंट्रेंस में जाते हैं अंदर की तरफ और बहुत uh, आज घर फैला है बिकॉज क्लीनिंग हो रही है घर की सो so, ये जो है ना बाहर की ये बैठक है और यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बैठते हैं और जब अंदर जाते हैं तो ये मेन ड्राइंग रूम है और ये बेडरूम की तरफ हम अंदर गए राइट साइड पर मम्मी पापा का बेडरूम है ये ये मेन दरवाज़ा है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया है और काफ़ी पुराना घर आई थिंक ये तीस से बत्तीस साल पुराना घर है इसी में आ, मेरे हस्बैंड का बचपन गया है जब जीगू जितने था जब जीगू जितने थे तब से मतलब इसी घर में रह रहे हैं इसी बेडरूम में वही दरवाज़ा वही गार्डन वो सारी यादें हैं इस घर में और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कुछ भी रेनोवेट नहीं हुआ है जब से ये घर बना हुआ है सो तो थोड़ा सा पुराना ओल्ड लुक दे रहा होगा आपको बट इसका इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया लाइक दिस बेडरूम पूरा इंटीरियर कितना अच्छा जब बना होगा तो कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे और अभी भी अच्छा लगता है लगता ही नहीं है इतना पुराना है सो so, ये बेडरूम है सामने ड्रेसिंग टेबल है वॉड्रोब है और तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ ये है पूरा ड्राइंग रूम सामने जो बना हुआ है वो भी एक इंटीरियर बना हुआ है टीवी वगैरह रखने के लिए बाहर से ये एंट्री हुई थी बाहर बैठक है वहाँ पे एक पलंग जो पड़ा था ना वहाँ पे भी बिस्तर बिछता है और सामने सोफ़े जैसा वो बना हुआ था मार्बल का अंदर आते हैं तो ये डाइनिंग एरिया था इन लोगों का अभी ऐसा लग रहा है पर पहले बहुत अच्छा लगता था यहीं पर खाना खाते थे सब लोग और इसके सामने जस्ट किचन बना हुआ है सो so, फ्रिज देख सकते हो नई फ्रिज है ये और ये क्लीनिंग हो रही है बिकॉज यहाँ से सब लोग जाने वाले हैं तो उसी हिसाब से चीज़ों को रख के जाने वाले हैं यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं आई मीन बहुत छः छः महीने में एक एक साल में सो so, ये पूरा बना हुआ है ये भी फर्निश्ड है पूरा घर फर्निश्ड है इसके बाहर जाते हैं तो बहुत बड़ा सा आंगन है और आंगन तो होते ही है <laughs> बड़े घरों में वो पीछे जो दिख रहा है ना वो बेडरूम जहाँ पे बेडरूम था ना उसका बैक साइड है यहाँ पे खिड़की बनी हुई है और ये पूरा आंगन यहाँ पे आंटी आती हैं काम करती हैं बर्तन धोती हैं वो वाला एरिया है ये अब हम फिर से आ जाते हैं डाइनिंग एरिया पे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं ये एक और रूम है बट इसमें है ना फ्रिज वगैरह मशीन पूरा राशन का एक है ना पेंट्री जो हम लोग अपनी भाषा में पेंट्री बनाते हैं ना ये वो है यहाँ पे पूरा सामान रखा रहता है एक्स्ट्रा वाला जो हम आजकल क्या है किसी डब्बे में रखते हैं बड़े वाले में सारी चीज़ें रख देते हैं बहुत ही कम स्पेस में यहाँ पे पूरा वो बना हुआ है और ये एक वार्डरोब है जो अलमारी के अंदर अलमारी है वो है सो <coughs> so, मैं आपको आ, आ, फास्ट करके दिखा रही हूँ ज़्यादा मैंने एक जगह टाइम नहीं लिया है जल्दी जल्दी दिखाया आपको और ऊपर भी टाणे वाड़े बनी हुई हैं हम लोग टाणे बोलते हैं आप बताना आप क्या बोलते हो सो so, इधर से निकलते हैं सामने वही वॉशरूम वगैरह है अब हम ऊपर चलते हैं ओके सो so, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ छत पे सो so, दो फ्लोर बने हुए हैं इधर एक नीचे है और एक ऊपर बना है ये देखिए अब लेकिन इधर ना जाके हम जाते हैं छत की तरफ छत मैंने आज तक नहीं देखी है सीरियसली आज तक मैंने छत नहीं देखी है <laughs> इस घर की फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं छत पे क्योंकि आपको दिखाना है ये देखिए छत भी बहुत बढ़िया है काफ़ी धूप थी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था बट मैंने कहा आप लोगों के लिए कर देती हूँ अब मुझे पता था आप लोग ज़रूर बोलोगे कि हाउस टूर दो हाउस टूर दो तो मैंने पहले ही दे दिया इसीलिए सो ये है नज़ारा ऊपर से ये है पूरे लोगों के घर बने हुए हैं बड़ी शांति और पीसफुल और एरिया होता है यहाँ पे बॉम्बे की तरह बहुत शोर शराबा नहीं होता है सुबह जब मैं उठती थी तो लोग कपड़े धो रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं बर्तन माँज रहे हैं इस तरह से लोग काम कोई पानी दे रहा है प्लांट्स में सो काफ़ी अच्छा लगा खूब सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है कबूतर ये सारी चीज़ें कहाँ बॉम्बे को सुनने को मिलती हैं और यहाँ पे करोना भी बिल्कुल ना के बराबर मुझे दिखा सो ये है छत पूरी देखा आपने काफ़ी अच्छी लग रही है अच्छी हवा आ रही है धूप जरूर है हवा अच्छी आ रही थी लेकिन तो अब चलिए हम चलते हैं नीचे ये छोटा सा एक एरिया बना है जो छत पे पर बना था नहीं कपड़े उपड़े अगर बाहर बारिश हो रही है तो फिर अंदर डाल दो वो एरिया बना हुआ है ये कमरा ही है ये भी रूम ही तरीके का बना हुआ है एक अब हम चलते हैं उस रूम में जहाँ पे सुशील जी ने अपना पूरा वो निकाला है कि पढ़ते लिखते या जो भी करते थे उनका एक रूम था यहाँ पे वो दिखाती हूँ मैं ये तो छत है छत नहीं है आई I मीन mean, ये बालकनी है पूरी यहाँ पे भी पोर्शन बने हुए हैं अंदर मुझे ये बालकनी बहुत अच्छी लगती है पूरे घर में सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है पार्ट सो so, जब अंदर जाएंगे तो ये एक हॉल एरिया है मतलब सिटिंग एरिया है ये देखिए यहाँ से सोफ़ा नीचे चला गया जो आपने देखा पहले यहाँ सोफ़ा वगैरह था ये सब बना हुआ था पूरा जो रखे 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 ही ख़राब हो गया कोई रहता ही नहीं है ये पहले किचन था अंदर ये देखिए किचन और मतलब इस घर की कोई मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि कोई जब घर बंद रहता है ना तो यही हाल होता है ये बेडरूम है जहाँ पे मैं सोती हूँ जब से आई हूँ अंदर बाथरूम भी है ओके okay. <coughs> और सुशील जी का रूम कौन सा था मैं भी बताती हूँ ये ड्रेसिंग टेबल है जो मैं दिखा रही हूँ एंड अंदर की तरफ ये एक बीच में भी बाथरूम एरिया बना हुआ है ये है इनका बेडरूम यहाँ पे सुशील जी रहते थे ज़्यादातर जब इस घर में सब लोग रहते थे, थे इनका रूम था ये एसी भी बहुत साल पुराना है ये टेबल है ना अजीब लगता है कि देख के कि पहले इस घर में इस रूम में चारों लोगों का बचपन गया है तो वो सारी चीज़ें याद करके बड़ा अच्छा लगता है ये किचन है इधर का और हाँ उधर किचन से भी जाने का रास्ता ये देखिए बनाया गया है पूरा पर एक ही चीज़ बड़ी सोच के बनाई गई है हालांकि मेंटेन नहीं है बट इसका जो डिज़ाइन किया गया है ना वो बहुत अच्छा किया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए जैसे ये एरिया सिटिंग एरिया था तो वहाँ पर वहीं से आप खाना पास कर सकते हो उस तरह से किचन बनाया गया है आपको किचन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है सो ये है नज़ारा हमारे का कितना अच्छा लग रहा है सो so, ये जो नीचे दिखा रही है ना ये गार्डन एरिया है ये मेन गेट है सो so, चलिए बताना लाइक करना प्लीज़ प्लीज़ हमारे इस घर के लिए शेयर करना ये वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल